मलेरिया एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है। मलेरिया एक ऐसा डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ से कॉज होता है और कैरी करते हैं इसको मस्कीटो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में। मैं मेघा मौली, मैं उदित फार्मेसी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो एंटी मलेरियल ड्रग्स। पहले हम लोग देख लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स। इसमें पहले ही आ जाएगा क्विनिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जिसका एग्जाम्पल है क्लोइनिन, क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन। आर्टेमिसिनिन डेरिवेटिव्स, इसका एग्जाम्पल है आर्टेमिथर, आर्टेसोनेट, डाईहाइड्रो आर्टेमिसिनिन। कम्बिनेशन थेरेपी को आर्टेम, आर्टेमिथर इज टू लुमेफ्रांटाइन, डुओ कोटेक्सिन, आर्टेसोनेट इज टू अमोडायाक्विन। अब देख लेंगे क्विनिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में। ये अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा कॉज किया जाता है उसके लिए यूज करते हैं। मलेरिया का तीनों वेक्टर हो सकता है, एक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, एक हो सकता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये तीनों के द्वारा मलेरिया डिजीज जो है ये कॉज होते हैं। इसका डोज यही है कि क्विनिन सल्फेट 10 mg पर kg every 8 hours में दिया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट ये डोज वेरी भी हो सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट है सिंकोनिज्म। सिंकोनिज्म में क्या होता है, कान में एक रिंगिंग टाइप का साउंड होते रहते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा हेडेक होते हैं, नौशिया होते हैं, और होता है एरिथमिया। एरिथमिया मतलब इरेग्युलर हार्ट बीट। इसका ब्रांड नेम है क्विनिमम क्वालाक्विन, क्विनिन का ब्रांड नेम है आरालेन, क्लोरोक्विन का ब्रांड नेम है लैरियम, मेफ्लोक्विन का ब्रांड नेम है। अब देख लेंगे आर्टेमिसिनिन एंड इट्स डेरिवेटिव के बारे में। ये यूज होता है अगर पैरासाइट का काउंट या फिर प्रोटोजोआ का काउंट बहुत ज्यादा कम करना है हमें, जब हमें सीवियर मलेरिया हो गया है तब। तो ये आर्टेमिसिनिन रैपिडली रिड्यूस कर देते हैं पैरासाइट काउंट को सीवियर मलेरिया में। इसका डोज है आर्टेमिथर इज टू लुमेफ्रंटन, ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। 4 टैबलेट सिंगल डोज में दिया जाता है, 2 बार लेना होता है फॉर 3 डेज। साइड इफेक्ट्स यही है कि ये वेल टॉलरेटेड है, बट कुछ कुछ डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट होते हैं। इसका ब्रांड नेम है क्वार्टिम, जैसे कि आर्टेमिथर इज टू लुमेफ्रेंटेन, आर्सोमैक्स आर्टेसोनेट और आर्टेक्विन डाइहाइड्रो आर्टेमिसिनिन। कम्बिनेशन थेरेपी में क्या यूज हो जाते हैं कि ये बूस्ट करते हैं इफेक्टिवनेस, दो मलेरियल ड्रग का जो इफेक्टिवनेस है इसको बढ़ा देते हैं और रेजिस्टेंस नहीं होने देते हैं। इसका डोज प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लिया जाता है, जैसे कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, और इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये हमारे बॉडी में वेल टॉलरेटेड है। ब्रांड नेम्स में आ जाएगा कोआर्टेम, आर्टेमिथर इज टू लुमेफ्रंटाइन और डुओकोटेक्सिन, आर्टेसोनेट इज टू एमोडायाक्विन। एंटीफोलेट्स ये क्या करते हैं, डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। जो मलेरियल पैरासाइट है या फिर जो मलेरियल प्रोटोजोआ है इसका जो डीएनए जब बनते हैं उस डीएनए को बनने नहीं देते हैं। इसका डोज डिपेंड होता है मेडिकल कंडीशन के ऊपर, कौन सा स्टेज में है मलेरिया का। और इसका साइड इफेक्ट यही है कि ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस करते हैं और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करते हैं। इसका ब्रांड नेम है प्रोगोनिल फेंसीडर सल्फोडॉक्सिन इज टू पायरीमीथामिन। अब देख लेंगे अमाइनो अल्कोहल्स के बारे में। ये यूज होते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के प्रिवेंट करने के लिए। ये ड्रग अकेले नहीं यूज होते हैं, इसका जो डोजेज है ये डिपेंड होता है कौन सा दूसरा ड्रग आप ले रहे हो उसका डोजिंग के हिसाब से। और इसको क्विनिन के साथ नहीं लेना है। इसका साइड इफेक्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस एंड न्यूरो साइकियट्रिक इफेक्ट। इसका ब्रांड नेम्स है लुमेफ्रंटाइन इन कम्बिनेशन विद आर्टेमिथर हेलोफ्रंटाइन। एंटीबायोटिक्स जो कि मलेरिया में यूज होता है इसका डोजिंग भी डिपेंड होता है। इसका डोज आप जैसे कि जानते ही हो कि डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स है और अलग अलग एंटीबायोटिक के लिए अलग अलग डोजेज है, इसलिए इसका डोजेज क्या है वेरिएबल है डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ एंटीबायोटिक यू आर यूजिंग। और साइड इफेक्ट भी डिपेंड होगा वही एंटीबायोटिक के ऊपर जो कि आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर। इसका एग्जाम्पल है डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, अटोवाक्विन। अब हम लोग देख लेंगे पूरा जो हमने पढ़ा उसका समराइज्ड फॉर्म, ये आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि अब जल्द से जल्द एक स्क्रीनशॉट से ही पूरा चीजों को पढ़ सकते हो।
एंटी मलेरियल ड्रग क्विनिन एंड इट्स डेरिवेटिव का यूज है अनकॉम्प्लिकेटेड पी फैल्सिपेरम मलेरिया के लिए, मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के लिए। ब्रांड नेम्स है क्विनिमम, क्विलाक्विन, आरालेन। मोड ऑफ एक्शन क्या है कि इनहिबिट पैरासाइट ग्रोथ, सप्रेस एंजाइमेटिक प्रोसेस, और साइड इफेक्ट्स में आ जाएगा श्रिंकोनिज्म, एरिडमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, नोशिया एंड वोमिटिंग। आर्टेमिसिनिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स ये रैपिड पैरासाइट रिडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, सीवियर मलेरिया ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। इसका ब्रांड नेम है कोआर्टेम, जो कि आर्टेमिथर और लुमेफ्रेंटाइन का कॉम्बिनेशन ड्रग है। आर्सुमैक्स, आर्टेसोनेट और आर्टेक्विन है जो डाईहाइड्रो आर्टेमिसिनिन है। ये कोवेलेंटली बाइंड करते हैं पैरासाइट के साथ और इफेक्टिव है पी फैल्सिपेरम के अगेंस्ट। ये डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट करते हैं और ईसीजी अबनॉर्मेलिटीज करते हैं और ब्रैडीकार्डिया मतलब कि जो हार्ट रेट है उसको कम कर देते हैं। अब हम लोग कम्बिनेशन थेरेपीज के बारे में देखेंगे। इसका इफेक्टिवनेस ज़्यादा होता है और इसका रेजिस्टेंस धीरे से आते हैं। इसका ब्रांड नेम है कोआर्टेम, डुओकोटेक्सिन, और इसका मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द विच कम्बिनेशन यू आर यूजिंग। कॉमन साइड इफेक्ट में यही आ जाता है कि वेरीज बेस्ड ऑन कंस्टिट्यूएंट ड्रग्स, और ये वेल टॉलरेटेड होता है। एंटीफॉलेट्स का यूज़ है इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस। इसका ब्रांड नेम है प्रोगुआनिल फनसिडर, और ये इनहिबिट करते हैं पैरासाइट का डीएनए सिंथेसिस को। सिनर्जिस्टिक एक्शन दिखाते हैं सल्फोनामाइड्स के पास, और सीजोगोनी प्रिवेंट करते हैं। सीजोगोनी एक स्टेज है मलेरियल पैरासाइट का। कॉमन साइड इफेक्ट्स में आ जाएगा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेज, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकोपेनिया। आर्टिमिसिनिन्स है, आर्टिमिसिनिन्स सीजोरोंटल एक्शन दिखाते हैं, जैसे कि सीजोसाइट्स जो बनते हैं, या फिर सीजोंट जो स्टेज है मलेरिया का उस स्टेज को प्रिवेंट करते हैं। पी फैल्सिपेरम के अगेंस्ट काम करते हैं। आर्टेसुनेट और आर्टे इथर इसका ड्रग्स है। ये पैरासाइट को प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं बाय फॉर्मिंग एंडो पैरासाइटिक एक ब्रिज, और पी फैल्सिपेरम के अगेंस्ट इफेक्टिव है। इसका जीआईटी सिम्टम्स है और कार्डियक इफेक्ट्स हैं इन हाई डोजेस। अब आ जाते हैं अमाइनो अल्कोहल्स के बारे में, जो कि पी फैल्सिपेरम के अगेंस्ट काम करते हैं, और इसका ब्रांड नेम है लुमेफ्रेंटाइन इन कॉम्बिनेशन विद आर्टेमिथर। और इसका मोड ऑफ एक्शन है कि ये लुमेफ्रेंटिन और आर्टेमिथर ये हीमोग्लोबिन को पॉलीमराइज नहीं होने देते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो मलेरिया में हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो मलेरियल पैरासाइट है ये हीमोजोइन नाम का एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और ये हीमोजोइन पॉलीमराइज कर देते हैं जो आरबीसी है, उस आरबीसी का हीमोग्लोबिन को, तो ये इसको प्रिवेंट करते हैं। और इसका साइड इफेक्ट यही है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस, न्यूरोसाइक्रियाटिक इफेक्ट्स। एंटीबायोटिक्स में आ जाते हैं बहुत सारे, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, एटोपाक्विनोन। ये डिपेंड होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मलेरिया कब यूज़ करना है, और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, अलग अलग एंटीबायोटिक्स का अलग अलग मोड ऑफ एक्शन है। जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन ब्लड सीजोंस के ऊपर काम करते हैं और एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फॉर्म्स के ऊपर काम करते हैं। एटोपाक्विनोन डिसरप्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को, और इसका कॉमन साइड इफेक्ट है जीआई डिस्टर्बेंसेस एंड स्किन रिएक्शंस। अब हम लोग देख लेंगे मलेरिया प्रिवेंशन एंड ग्लोबल एफर्ट्स, जो कि हमने पहले ही बोला ये मलेरिया ग्लोबल कंसर्न है, तो ये मलेरिया से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है धीरे धीरे, और एंटी मलेरियल ड्रग्स का यूज़ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बट हमें ड्रग्स का यूज़ नहीं करना है, हमें मलेरिया को ही इरेडिकेट करना है। तो मलेरिया ना हो इसलिए हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, जैसे कि हम मस्कीटो नेट्स लगा सकते हैं, हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंसेक्ट रिपेलेंट कुछ स्प्रेज होता है जो कि अपने बॉडी में लगा सकते हैं, या फिर इंसेक्ट रिपेलिंग स्प्रेज अपना खिड़की में लगा सकते हैं, अपना जो कर्टेंस है उसमें लगा सकते हैं। और ग्लोबल इनिशिएटिव हु के द्वारा बहुत सारा ले गया है, जैसे कि रोल बैक मलेरिया, या फिर लोकल जो हेल्थ एजेंसीज है वो मस्कीटो रिपेलेंट स्प्रे लेके आते हैं और अपने घर के आसपास उसको स्प्रे कर देते हैं ताकि मस्कीटोज ना ग्रो हो पाए। और द पाथ टू इरेडिकेशन यही है कि मेडिकेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए, बट ये मेडिकेशन से ज़्यादा बेहतर यही होगा हम मलेरिया को ही फाइट करें, हम मलेरिया से दूर रहे, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मिलते हैं अगले वीडियो पे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है
तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप डी फार्म के फर्स्ट ईयर में हो तो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया वीडियो लेक्चर कोर्स एट वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज 1499। इधर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस विद डाउट सेशन, ई बुक पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट और सारे सुविधाएं आपको मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरा पांचों सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होने वाला है। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए सेम प्राइस में कुछ ऐसे ही लेकर आया है उदित फार्मेसी। इधर आपका पूरा 6 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। तो बिना देरी के जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहे हैं कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ही काफ़ी है, आपको वीडियो लेक्चर कोर्स का ज़रूरत नहीं है, बस 999 में आपको मिल रहे हैं पांचों बुक्स, वो भी आपके लोकेशन में फ्री डिलीवरी विथ थ्योरी एंड मॉरल पेपर। और अगर आप डी फार्म का एग्जिट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया एमसीक्यू ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज। और इधर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस बस 499 में। तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए और लीजिए ये सारे सुविधाएं जो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया। मिलते हैं अगले वीडियो पे।